नवाब जमील को भी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी सर, मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के जीरो पॉइंट पर। आज हम चलेंगे मरी की सैर को, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद का थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ आपको। मैं मौजूद हूँ इस जीरो पॉइंट पुल पर। ये एक अहम पुल है, यहाँ राइट साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ से मोटरवे टच करती है, पिंडी की हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से एंटर होती है और ये सीधा रास्ता आगे अहम इमारतों की तरफ जाता है और यही रास्ता जो है आगे हमें मरी की तरफ भी लेकर जाएगा। मेरे बैकग्राउंड पर मागला की पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ से इंतहाई खूबसूरत मंजर नज़र आता है। बारागाव के बाद अब हम मरी की हदूद में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुकना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको इन्फॉर्म भी तो करना है कि इस वक्त हम कहां पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुराने मरी के रास्ते पर। पुराने मरी का रास्ता आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सा पुराना रास्ता है। ये राइट साइड पर जो सीधा जा रहा है ये है मरी का पुराना रास्ता। यहाँ पर तकरीबन इसी रोड पर जाते हुए आगे तकरीबन 30 से 40 जो गाँव हैं वो यहाँ पर टच करते हैं। मकामी लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं और इस रास्ते को प्रेफर करते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर देखा जाए तो ये है नया रास्ता जिसको एक्सप्रेस वे भी अब कहा जाता है और सयाह जो है वो इस रास्ते को प्रेफर करते हैं जाने के लिए क्योंकि ये है शॉर्ट रास्ता, यहाँ आपको रश भी नहीं मिलता और नॉन स्टॉप आप इस रास्ते से डायरेक्ट मरी जल्द पहुँच जाते हैं। अगर कोई पहली बार मरी आता है तो उसके लिए सामने बोर्ड भी आवेदन कर दिए गए हैं। जाते तो दोनों रास्ते हैं लेकिन मकामी लोग ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं और नए सयाह जो है वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। जो नया आता है वो दोनों बोर्ड को फॉलो करते हैं और उनकी सहूलत के लिए भी बोर्ड्स लगा दिए गए हैं ताकि वो यहाँ से जा सकें और हम भी एक्सप्रेस वे का रास्ता लेंगे और यहीं से आगे चलेंगे। जी बिल्कुल, अब हम पहुंच चुके हैं पहले टोल प्लाजा पे। ये पहला टोल प्लाजा है जहां पर अक्सर लोगों का चलान होता है सीट बेल्ट ना पहनने पर या ओवर स्पीडिंग करने पर। कितनी एक्साइटमेंट है मरी जाने की। सबसे अच्छा मरी में क्या लगता है आपको? बर्फबारी। बर्फबारी अच्छी लगती है। अगर आज बर्फबारी ना हुई तो दुआ करेंगे। अच्छा, बाकी बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखें पूरी बस कर आकर आए हुए हैं ये लोग, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसमें लोग मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहते हैं, पहले स्टॉप पे ही आपको चलान हो गया, क्या कहते हैं, थोड़ा मोरल डाउन हुआ या नहीं? नहीं, मोरल तो डाउन नहीं हो सकता। 500 रुपये से मोरल डाउन होता तो फिर हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं, यहाँ पे सैर करने के लिए ना आते। अच्छा, अहमदाबाद से आपने मरी का चुनाव क्यों किया? क्यों स्नो फॉलिंग है आजकल, इसलिए स्नो फॉल ना हो रही हुई तो वैसे ही हम इंजॉय कर लेंगे। काफी मोटिवेटेड हैं कि अगर स्नोफॉल नहीं हुई तो ये वहीं पर स्टे करेंगे। अच्छा, इस्लामाबाद से जो है मरी का रास्ता वो 1 घंटे की मुसाफत पर है जो तकरीबन 50 किलोमीटर बनता है, तो चलें हम भी चलते हैं आगे। खूबसूरत कुदरती नज़ारे हो और हल्की हल्की फुहार भी हो तो फिर रुकना तो बनता है, इसीलिए हमने एक और खूबसूरत स्पॉट का इंतखाब किया है। इस वक्त आप भी देख सकते हैं, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ मलका कोहसार में। व्यू की बात की जाए तो इंतहाई खूबसूरत इस टाइम व्यू हुआ हुआ है, बादलों पर जो है वो धुंध छाई हुई है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, एक सुकून है, इंतहाई खूबसूरत मौसम जो है इस वक्त हुआ हुआ है, एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। मरी का मौसम जो है आज बहुत वैसे ही खूबसूरत हुआ है, लकीली आज बारिश भी हो रही है और मरी को जो है आज 4 चांद लग गए हैं। जो छाई हुई धुंध है वो एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। आप लोग भी अगर आ सके तो डेफिनेटली दुआ जमील आप लोग भी यहाँ पर आए, मरी का मौसम स्पेशली सर्दियों में एंजॉय करें। तो चलते हैं मरी की तरफ मजीद आगे। पहुंच चुके हैं, मैं खड़ी हूं झीका गली के बाहर। राइट साइड से अगर हम जाएंगे तो यहां हम माल रोड की तरफ जाएंगे जो मरी का इंतहाई फेमस पॉइंट है। इसके पीछे जो है रास्ता जा रहा है राइट साइड की तरफ वो है नथिया गली अयूबिया की तरफ और वो सीधा कश्मीर की तरफ भी रास्ता जाता है। लेफ्ट साइड पर जाने वाले वापसी के जाने के लिए इस्लामाबाद के लिए पिंडी के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे। मौसम की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो सुबह से ही बारिश जारी थी लेकिन इस वक्त बारिश बहुत शदीद हो गई है, ठंड में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं भी।
आगे में आगे पैदल जाके मौसम को एंजॉय करती हूँ। आ जाएं। जी बिल्कुल, मरी आ जाए और माल रोड ना आ जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माल रोड एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पर खाने के स्टॉल्स भी बहुत ज्यादा हैं, शॉपिंग के लिए भी भरपूर यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, मजे का मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी है, धुंध भी है, और लोग इस धुंध को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। काफी ज्यादा लोग हैं इस टाइम, फैमिली है, दूर दराज इलाकों से हैं। पूछते हैं कैसे मरी का मौसम को एंजॉय कर रही हो। हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बहुत सी शॉपिंग की, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर स्नोफॉल। और अगर स्नोफॉल आज ना हुई तो फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। अच्छा मुझे बताओ आई कहाँ से, और कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी की है कि नहीं? खवातीन की वीकनेस होती है शॉपिंग, क्या शॉप किया अपने लिए, शॉपिंग किया आपने? हम लोग अच्छी अटक से आए हैं और हम लोगों ने अभी यहाँ काफ़ी सही शॉपिंग की, अभी हम चेक कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जाकर और भी शॉपिंग करें। फैमिली के साथ मरी के मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं मरी के मौसम को, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंड है, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और स्नो का वेट कर रहे हैं कि स्नो हो जाए, इसीलिए आए हैं बहुत दूर से कि स्नो को एंजॉय किया जाए। अच्छा आगे भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अच्छी एक्साइटमेंट, आप देख सकते हैं मेरे इधर लेफ्ट साइड पर भी स्टॉल्स हैं, लोग यहाँ पर भी शॉपिंग कर रहे हैं, मज़े मज़े की स्टॉल्स हैं, इनको देख के मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी अपने लिए कुछ ख़रीदारी करूँ। मौसम की मुनासबत से टोपी भी मिल रही है, सॉक्स भी हैं, जैकेट भी है, कपड़े हमारे भी सारे गीले हो चुके हैं, और इस वक्त यहाँ पर लोग भी हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि अच्छा मुझे बताएं कि आप मौसम की मुनासबत से अपने लिए क्या खरीद रही हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, क्या लिया है आपने अपने लिए? अभी तो कुछ नहीं, यही बाय कर रहे हैं, कैप ली है। अच्छा आप मुझे बताएं आपने बड़ी बनाना शॉल ली है, क्यों? ये मैं घर से लेके नहीं आया, तो इन्होंने मेरी जैकेट पहन ली है, मैंने इनकी शॉल ले ली है। तो मरी के मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं और मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बड़ी ठंड है तो क्या कहते हैं? फैसलाबाद से आए हैं, तो हमें अंदाजा नहीं था कितना ज्यादा मौसम जो है वो यहाँ पे खराब हो जाएगा, लेकिन वेदर फोरकास्ट में तो ठीक था मौसम, लेकिन यहाँ आके फील हो रहा है कि अभी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या प्लान है, कब तक यहाँ पे रहने का प्लान है? स्नोफॉल देख के जाएंगे? प्लान तो यही है कि शाम तक रुकें, स्नोफॉल अगर होती है तो फिर हम इस्लामाबाद वापस चले जाएंगे। अच्छा मरी की एक ये अच्छी है एक बात है कि यहाँ पर लोग जब आते हैं तो वो आकर स्नोफॉल ज़रूर देखते हैं, और आज भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, मुझे भी काफ़ी हद तक ठंड लग रही है। मज़ीद चलते हैं आगे माल रोड पर, देखते हैं और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। फॉग बनी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, जब दिल चाहता हम लोग कॉफी पीते हैं, ओवल्ट्रीन पीते हैं। आपने कुछ शॉपिंग की अपने लिए? बड़े अच्छे यहाँ पर स्पॉट्स मुझे देखने को नजर आए, शॉल्स हैं, क्या कुछ खरीदा या कुछ नहीं? बड़ी परेशान भी लग रही हो। कैप्स और कैप शॉल्स भी लिए हैं, स्वेटर भी लिए हैं। तो मरी का मौसम आपको लग कैसा रहा है, यहाँ पर मजा कितना आ रहा है? बहुत ही सर्दी है और स्नो फॉलिंग का इंतजार है। जी सबकी एक ही बात है कि स्नोफॉलिंग होगी और वो उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश को, ठंडे मौसम को शहरी काफ़ी हद तक एंजॉय करते हैं। आगे भी चलते हैं, लोग खा पी के कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मरी आने का एक मकसद यही होता है कि यहाँ पर खा पी के ज़्यादा एंजॉय किया जाता है, मौसम को एंजॉय किया जाता है। चलते हैं आगे, आगे जा के देखते हैं कि शहरी कैसे एंजॉय करें। गरम कॉफ़ी, ठंडी आइसक्रीम का तो दौर चल ही रहा है, लेकिन सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगने लगती है। इस वक्त मैं एक होटल में मौजूद हूँ, गरम गरम भाप वाले पराठे इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, और भूख भी इससे ज़्यादा बढ़ रही है। अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो आज सर्दी के मौसम में नाश्ते को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। गरम अंडे खाए जा रहे हैं, हलवा पूड़ी खाई जा रही है, चाय पी जा रही है, और नाश्ते भी किए जा रहे हैं। लोग जो हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं, मरी पहुंचे हैं और वो खाबों को एंजॉय भी कर रहे हैं। फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं नाश्ते को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि ठंडा मौसम है, गरम गरम नाश्ता हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है मरी में? मरी में तो ज़्यादा मज़ा आता है नाश्ते का। सबसे अच्छा क्या लगा है यहाँ पर, सबसे अच्छे मज़े की क्या चीज़ आपने अभी नाश्ते में खाई है? सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो ये छोले पराठे हमने मंगाए, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बस, और सर्दी रोकने के लिए चाय। सर्दी रोकने के लिए चाय, छोले पराठे खाए जा रहे हैं, एंजॉय करें। अच्छा आप मुझे बताएं आप लोग आए कहाँ से हो और सर्दी कैसे एंजॉय कर रही है, कितना मज़ा आ रहा है? हम लोग कराची से आए और सर्दी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है।
अच्छा यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि मरी एक ऐसा स्पॉट है कि जहाँ पर ज़्यादातर सयाह जो है वो कराची और लाहौर से आते हैं। यहाँ के मकामी लोग पिंडी इस्लामाबाद वाले वो बेचारे इतना उनको मौका नहीं मिलता है जितने सयाह यहाँ पर दूसरे शहरों से आते हैं और आकर इन्जॉय भी करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी फैमिली बैठी हुई है, ये भी डेफिनेटली किसी दूसरे शहर से आए होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। अच्छा मुझे बताएँ मरी आने का क्या शौक था और क्यों आई हैं मरी आप? बच्चे हमेशा स्नो फॉलिंग में आते हैं, अब हाँ जी न्यूज़ में देखा था स्नो फॉलिंग है 2-3 दिन मुसलसल, तो इसलिए ये लोग आए हैं। सुबह से तो बारिश चल रही है, ठंडा मौसम है, स्नो फॉल का क्या? परसों आए हैं तो परसों हुई है स्नो फॉल, कल थोड़ी लाइट हुई थी लेकिन आज ये क्या आज तो बारिश ही है सुबह से। बच्चा पार्टी है, स्नो फॉल देखे बगैर वो रह नहीं सकते। बात करते हैं, बड़े उदास उदास चेहरे, क्या नाश्ता नहीं आया इस वजह से? नहीं। अच्छा बताओ तो मरी को कैसे इन्जॉय कर रही हो, सबसे अच्छा क्या लगा है? स्नो फॉल हुई थी उसकी वजह से आए हैं, बहुत इन्जॉय कर रही है। अच्छा आप मुझे बताएं आप कहां से आई हैं और मरी में आपने सबसे ज़्यादा अभी तक क्या चीज़ इंजॉय की है? नाश्ता तो आपको अभी तक आया नहीं है। नाश्ता तो आ जाएगा लेकिन यहां का जो वेदर है वही सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम आपको। जी आप मुझे बताओ, बड़ी तैयारी शहरी की है, टोपी शोपी कोट शोट पहन के बैठी हुई हो, मुझे बताओ मरी में क्या इंजॉय करी हो और क्या प्लान्स हैं कि क्या इंजॉय करोगी? स्नो फॉलिंग के साथ और अगर लेट सपोज के स्नो फॉल ना आई तो क्या करोगे? फिर भी इंजॉय कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे जब स्नो फॉल होगी। पहुंचे हैं मरी में इसी शौक के साथ कि यहाँ पर आज स्नोफॉल होगी लेकिन अभी तक तो स्नोफॉल नहीं हुई, बारिश का सिलसिला जो है ना थमने वाला सिलसिला, इनफैक्ट सुबह से जारी है, स्नोफॉल नहीं हुई लेकिन पुरुमीद है सयाह कि बारिश होगी और भरपूर बारिश होगी जिसके साथ साथ स्नोफॉल देखने का भी मौका मिलेगा। चलें फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शहरी कैसे इंजॉय करें। जी मरी आते हैं तो मरी आते ही खाने पीने का दौर चलता ही रहता है। अभी कुछ फैमिलीज हमने बात की थी, मज़ीद कुछ फैमिलीज भी हैं जो बच्चों के साथ ठंडे मौसम को और खूबसूरत नज़ारे के साथ वो यहाँ पर नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं खूबसूरत नज़ारा है, खिड़कियाँ खोल के आप बैठे हुए हैं, कैसे इंजॉय कर रही है मरी के मौसम को? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रही है यहाँ पर। अच्छा मुझे बताएं कहा जाता है कि मरी में ज़्यादा रेंट लिया जाता है और ज़्यादा महंगाई की जाती है, इसके बारे में क्या कहती हैं? यहाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से तो नॉर्मल ही है, काफ़ी इन्जॉय है हर चीज़ में, जाहिर सी बात है यहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल फील होता है, सब आते हैं बहुत घूमते। अच्छा आपने खिड़की इसलिए खोली हुई है कि यहाँ सामने चीज़ें और ख़वातीन जो हैं शॉपिंग के बारे में पीछे नहीं रहती, तो आप अपने यहाँ से चीज़ें पसंद करी कि यहाँ के बाद शॉपिंग के लिए जाएंगी? हाँ यहाँ से शॉपिंग भी करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है और नाश्ते का मज़ा ही अलग होता है। यहाँ मंज़र तो बहुत अच्छा होता है मरी का, इसीलिए खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं। मज़ीद फैमिलीज हैं, पूछते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, ये लोग किस तरीके से इन्जॉय करें। अच्छा कहाँ से आप लोग आए हुए हो और अब तक क्या कुछ खाया? सारा नाश्ता तो आप लोगों का ख़त्म हो चुका है इस टाइम, सबसे ज़्यादा क्या इन्जॉय किया मरी में? मरी में मौसम इन्जॉय किया, स्नो फॉलिंग इन्जॉय किया और बहुत कुछ, बारिश है, मौसम है, नज़ारे हैं, इस तरह की चीज़ें इन्जॉय की हैं। अच्छा आप मुझे बताओ आप कैसे इन्जॉय करी मरी को और आप लोग आए कहाँ से हो? हम लाहौर से आए हैं, वैसे फिट उड़ के इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा और क्या क्या खानों में क्या इन्जॉय किया स्पेशली आपने? खाने लाहौर के सबसे बेस्ट हैं। जी देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मरी एक वाहिद स्पॉट है जहाँ पर ज़्यादा कराची वाले या लाहौर वाले मिलते हैं और लाहौर वाले जो हैं वो अपने खाबों की वजह से बड़े मशहूर हैं, तो कुछ नाला नज़र आ रहे हैं कि खाने यहाँ पर अच्छे नहीं हैं। आखिर में एक फैमिली और भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा मुझे बताएं आप लोग कहाँ से आए हैं और मरी के मौसम को कैसे इन्जॉय किया है आप लोगों ने? लाहौर से हम आए हैं और मरी में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लाहौर में तो ऐसे कंपेरेटिवली मौसम नहीं मिलता लेकिन वहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लाहौर। अच्छा आप मुझे बताएं आपने क्या कुछ ख़रीदा, क्या शॉपिंग की, खाबों में क्या चीज़ इन्जॉय की? शॉपिंग अभी हम लोगों की पेंडिंग है, अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट जैसे फिनिश होगा तब हम लोग शॉपिंग करेंगे। शहरी जो है यहाँ पर काफ़ी भरपूर तरीके से इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि ऐसा मौसम कहीं और देखने को नहीं मिलता। सिर्फ यहाँ मलका कोहसार का व्यू बहुत खूबसूरत होता है जिसको लोग आज बारिश भी है काफ़ी हद तक इन्जॉय कर रहे हैं, खिड़कियाँ खोल कर इन्जॉय कर रहे हैं। माल रोड की सैर हम जो है आपको और भी कराएंगे। बिल्कुल
खूबसूरत मकामात से होते हुए लुत्फानंदोज होते हुए इस वक्त हम फाइनली पहुंच चुके हैं मरी की माल रोड पर। मरी की माल रोड के बारे में बताऊं अगर मैं आपको बताती चलूं तो ये एक वाहिद ऐसा स्पॉट है कि यहाँ पर आए अगर और यहाँ की सैर ना करें तो उसका मज़ा ही नहीं आता। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं माल रोड पर आना क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की वैरायटी आपको मिलती है। अच्छा एक और मैं आपको यहाँ पर एक तारीखी स्पॉट के बारे में बताती चलूँ कि ये जीपीओ पॉइंट है। ये काफ़ी एक तारीखी यहाँ पर ये बिल्डिंग है और इसको अगर आप ये कहा जाए कि अगर कोई नया आने वाला अगर मरी में घूम जाए तो यहाँ एक ही अच्छा मीटिंग पॉइंट है कि जिस पर यहाँ पर बुला कर वो ईज़िली यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। ये तो था अभी यहाँ पर माल रोड पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मज़ीद जाके लोगों से जानते हैं वो मरी को इस माल रोड पर कैसे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, खा पी के वो कैसे अपनी सर्दी को इंजॉय कर रहे हैं। क्या कहती हो आप, बड़ी तैयार शहर हो क्या, बड़ी संजीदा हो, माल रोड पे पहुंची हो। माल रोड तो लोगों की वैसे बड़ी फेवरेट जगह है, क्या कहती हो कैसे इंजॉय करी हो? मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, मैं यहाँ की फॉग को, यहाँ के मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा स्नोफॉल के लिए आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि होगी या नहीं होगी? इंशाल्लाह होगी। अच्छा आप क्या कहते हो, आप मरी के मौसम को कैसे एंजॉय करो? इस टाइम सर्दी बड़ी अरूज पर है, ठंड है, लेकिन आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं नहीं ठंड लग रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी, ज्यादा ठंड नहीं लग रही। अपनी फैमिली के साथ हम आए हैं, यहाँ से नजारा इंतहाई खूबसूरत नजर आता है। मरी आए हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और ठंड में हम लोग आइसक्रीम भी खा रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा जो कि पब्लिक के लिए इन्होंने कोई वॉशरूम नहीं, पब्लिक प्लेस पे कोई वॉशरूम नहीं है और कार पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है और इसके लिए मरी की इंतज़ामिया को चाहिए, यहाँ के जो हुकूमत में लोग हैं उनको चाहिए। इससे पहले भी यही लोग बोलते रहे हैं लेकिन कभी किसी ने कोई हल नहीं किया। पब्लिक के लिए, फीमेल के लिए बहुत प्रॉब्लम है, वॉशरूम नहीं है।